नगर पालिका द्वारा घर घर जाकर कूड़ा निस्तारण अभियान का किया शुभारंभ। लोगों को सूखे कूड़े और गीले कूड़े के बारे में दी गई जानकारी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में साफ सफाई बेहतर रखने के लिए 1 से लेकर 10 फरवरी तक चलने वाले अभियान के क्रम में घर घर जाकर कूड़े को इकट्ठा कर रही है। साथ ही लोगों को जानकारी भी दे रही है कि सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग करके कंपोजिट खाद बनाने के लिए नगर पालिका का सहयोग करें। ऐसे में नगर पालिका टीम द्वारा नगर को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को आह्वान भी किया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मनीष सिंह ने बताया कि नगर पालिका द्वारा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गाजीपुर तिराहे से लेकर आजमगढ़ मोड़ के मोहल्लों में जाकर हर घर से कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं लोगों को सूखे कूड़े और गीले कूड़े के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि उनके द्वारा फेंके गए कूड़े को सीधे सूखे और गीले कूड़ों को अलग करने में कितनी परेशानी होती है। साथ ही इसे खाद के रूप में बनाने में भी नगर पालिका को बहुत परेशानी होती है। ऐसे में नगर पालिका की टीम ने लोगों से आह्वान किया कि नगर को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई के साथ सूखे और गीले कूड़ों को अलग करके नगर पालिका की आई सफाई कर्मियों की टीम को दें, जिससे आपका घर, मोहल्ला और समाज भी स्वच्छ रह सके। नगर पालिका की टीम ने लोगों को प्लास्टिक के बैग का उपयोग न करने की भी सलाह दी और बताया कि प्लास्टिक के बैग डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से सालों साल प्लास्टिक के बैग ऐसे ही कूड़े में पड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मऊ ने आज डोर टू डोर कैंपेन अभियान की शुरुआत किया। इसके अंतर्गत हम लोग गाजीपुर तिराहे से लेकर आजमगढ़ मोड़ तक अभियान की निकाल रहे हैं। इसमें आम जन को लेकर स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्य, मेंबर व अन्य नागरिक लोग, हम लोग घर घर जाएंगे और घर घर लोगों को जो है कूड़ा अलग अलग करने के लिए, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग के लिए पूरे मऊ नगर पालिका में अभियान चलाया जा रहा है। अभी यह प्रथम चरण का अभियान है। प्रथम चरण अभियान में हम लोग केवल जो उनको समझा रहे हैं, और अगर इसके आगे नहीं सुधार आया तो हम लोग पेनल्टी भी लगाएंगे, उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा।